एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम नीट पीजी के सब्जेक्ट वाइज जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में से 2024 में कितने क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद हम जो मोस्ट आई एम पी सब्जेक्ट है उसका पे लेंगे। बाद में जैसे जैसे उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी जिस सब्जेक्ट की वो नीचे आएंगे। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट है वो मैं पहले आपको बताऊँगा, ठीक है? तो इस तरह के क्रम में ए होगा। तो चलिए हम पहले देखें तो मेडिसिन नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेडिसिन में से आपको 25 क्वेश्चन 2024 में आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। बाद में बात करें सर्जरी मेडिसिन की तरह ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। बाद में बात करें तो कि OBGY, तो OBGY में से 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस रेंज में OBGY में से हर साल क्वेश्चन आते हैं। बाद में बात करें तो PSM का वेटेज इन तीनों सब्जेक्ट से कम है, और उसकी रेंज 10 से 12 क्वेश्चन PSM में से 2024 में आ सकते हैं। बाद में बात करें तो माइक्रो और पेथो है वो दोनों में से एक्सपेक्टेड आपको 10 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो माइक्रो में है 2022 में 12 क्वेश्चन और 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे, तब जबकि पेथो में 2022 में 10 क्वेश्चन और 2023 में 12 क्वेश्चन आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट है वो है फार्मेक में 13 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और 2024 में भी यही रेंज रहेगी। बाद में आएगा बायोकेम में से भी 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बाद में जो फोरेंसिक मेडिसिन है और टॉक्सिकोलॉजी, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बाद में जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटोमी, उसमें से 4 से 6 क्वेश्चन, फिजियो में से 8 से 12 क्वेश्चन, तो इस रेंज में 2024 में आएंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बाद में जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद बात करें तो ओप्टल और ENT है तो दोनों में से 6 से 8 क्वेश्चन 2024 में आएंगे। बाद में एनेस्थेसिया को आपको इतना इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है, पर उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। आप एनेस्थेसिया सर्जरी के साथ भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। बाद में डर्मा, तो स्किन की बात करें, डर्मा की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन, छोटा सब्जेक्ट है पर उसमें से 4 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बाद में बात करें साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक में से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बाद में आखिर के जो 3 सब्जेक्ट है तो क्या रेडियो, तो रेडियो में से 2 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? कई बार उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, और कई बार 6 या 7 क्वेश्चन भी नीट पीजी में रेडियो में से आते हैं। और जो ऑर्थो है आपका, उसमें से 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। बाद में इम्पोर्टेंट एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है पर उसका वेटेज है वो थोड़ा कम है, वो है पीडिया, तो पीडियाट्रिक्स में से 6 से 10 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर आप UPSC CMS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो है, उसे आप देख सकते हो और अपना रिवीजन भी कर सकते हो। नीट पीजी के मैंने आज जो आपको बताए वो सारे सब्जेक्ट वेटेज वाले आपको दिखने हैं, और आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है वो आपको तय करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।